हेलो फ्रेंड, मैं हूं रंजीत। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दर्शन पे। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, मैं आपको सारे टॉपिक इस चैनल पे कवर करूंगा। फ्रेंड, आज मेरा टॉपिक है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है, जिसमें मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे। ये दोनों के बीच डिफरेंस बताएंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, फ्रेंड, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण एंड इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। तो ये दोनों के बीच हम डिफरेंस को जानेंगे, ये क्या होता है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। फ्रेंड, एवरी थिंग्स आर सराउंडिंग ऑफ अस, डैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ जितने भी कुछ मौजूद हैं, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। वेयर इज प्रजेंट द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, जहाँ पे लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स यानी कि सजीव और निर्जीव प्रजेंट होते हैं। दे आर इफेक्टिव फ्रॉम द नेचर, जो कि नेचर के द्वारा इफेक्टिव होते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रेंड पर्यावरण। देन अगेन आई विल रिपीट, एवरी थिंग्स आर सराउंडिंग ऑफ अस, डैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। दे वेयर इज प्रजेंट द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, दे आर इफेक्टेड बाय द नेचर, डैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। फ्रेंड, ओके, आई कैन राइट डाउन। एवरीथिंग Everything's are surrounding of us, हमारे चारों ओर surrounding of us, हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी वस्तु मौजूद हैं, वो सारे के सारे फ्रेंड इन्वायरमेंट हैं। ओके, वेयर इज प्रेजेंट द नॉन लिविंग बींग्स एंड लिविंग बींग्स, जो कि क्या होते हैं, एक लिविंग बींग्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, सजीव होते हैं या फिर निर्जीव होते हैं। दे आर इफेक्टेड बाय द नेचर, जो नेचुरल के द्वारा, नेचर के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। ओके, जो फ्रेंड, दे आर मेड फ्रॉम टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड इज अबायोटिक। देन आई एम एक्सप्लेन बायोटिक कंपोनेंट। देन फ्रेंड, बायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू द लिविंग बींग्स। बायोटिक कंपोनेंट सजीव जीव जंतु से रिलेटेड है। दो आर सर्वाइव इन द पार्टिकुलर एटमोसफियर इकोसिस्टम। ओके फ्रेंड, दैट्स कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जीव जंतु से रिलेटेड है, जो कि एक पार्टिकुलर पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ओके फ्रेंड, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू द नॉन लिविंग बींग्स, जैसे लाइट हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे नॉन लिविंग बींग्स में आते हैं, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट द एबायोटिक एंड नॉन एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व लिविंग बींग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स, ईस्ट. मोल्ड्स इज नोन एज फंगस. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स एंड ईस्ट. ईस्ट एंड मोल्ड्स दे आर सिमिलर फ्रेंड. ओके, ईस्ट यूज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ फूड. मोल्ड्स आर द फंगी दैट्स ऑल्सो यूज फॉर मेड अ चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, ब्लू चीज दैट्स कॉल्ड स्टिल्टन इन नाउन इज मेड फ्रॉम द मोल्ड्स. वायरस, वायरस इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, दे आर एवरी टाइम एवर इफेक्टेड. एंड बैक्टेरिया इज समटाइम्स हार्मफुल एंड समटाइम्स यूजफुल. ओके, इन लाइक एज वेन यू मेड द योगर्ट कर्ड दे हैव टू यूज लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया. ओके, एंड दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व द ऑल द लिविंग बींग्स दो आर सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर इको सिस्टम दैट्स कॉल बायोटिक कंपोनेंट्स. इन्वॉल्व ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व बैक्टेरिया, वायरस, मोल्ड्स एंड ईट्स. ओके फ्रेंड, दे आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व दे आर रिलेटेड टू द नॉन लिविंग बींग्स. नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स. इन नॉन लिविंग बींग्स इन्वॉल्व लैंड, वाटर, सनलाइट, एयर. दे आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंड ऑन द अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर सर्वाइव देयर लाइफ. वो अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने ज़िंदगी को जीने के लिए फ्रेंड अबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट. ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. देन फ्रेंड दे आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इज कॉल्ड मैन मेड इन्वायरमेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रेंड दो आर मेड बाय द नेचर. ओके, ऑब्टेन द सोर्सेस रिसोर्सेस ऑफ द नेचर देयर सर्वाइव सच एज वाटर, वाटर बॉडीज, वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना. डू यू नो अबाउट द फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा इट मीन्स द प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. ओके फ्रेंड, दे आर इन्वॉल्व इन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट. इट मीन्स दो इन्वायरमेंट आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर दे आर रिक्वायर्ड. मनुष्य जब अपनी जरूरतों के हिसाब से एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट बनाता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट. यू हैव टू यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके इन्वायरमेंट क्रिएट करता है डैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल. इट मीन्स मैन मेड इन्वायरमेंट. ओके फ्रेंड, दे आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट एवरी थिंग्स आर सराउंडिंग ऑफ अस दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट. दे आर मेड फ्रॉम द टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट द लिविंग बींग्स. इट मीन्स
बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व ऑल द लिविंग बींग्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू द नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स इन्वॉल्व ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स एंड ईस्ट। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन नॉन लिविंग बींग्स दैट इन्वॉल्व द लैंड्स, वाटर्स, लाइट्स एंड एयर्स, दे आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। दे कंपोनेंट्स आर help to make the in a particular environment. And types of environment, there are two types of environment. First, the natural environment, second in the artificial environment. Natural environment involve the waters, airs, lands, forest, flora and fauna. They are called the natural environment. And artificial environment, the environment made by the human being according to his required to the use of modern technology, that's called artificial environment. Okay friend, and now we have to know about the ecology. Ecology is the branch of science. Friend, ecology is the branch of science in which we study about the various types of ecosystem, those are present in our environment, that's called ecology. And under the ecology we have no different types of ecosystem.